आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में आज पांचवें चरण के लिए मतदान हो रहा है। इस चरण में 12 जिलों के 61 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इन 61 सीटों पर 692 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। वहीं इस दौरान प्रयागराज, अमेठी, सुल्तानपुर, चित्रकूट, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, रायबरेली, प्रताप गढ़, कौशाम्बी, बाराबंकी जिलों में आज सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है। पांचवें चरण के मतदान में जिन बड़े चेहरों की किस्मत दांव पर है, उनमें यूपी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, योगी सरकार में मंत्री मोती सिंह, नंदगोपाल गुप्ता नंदी, सिद्धार्थनाथ सिंह, रमापति शास्त्री, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय की किस्मत दांव पर लगी है। वहीं कांग्रेस की आराधना मिश्रा मोना और जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के साथ ही अपना दल के अध्यक्ष कृष्णा पटेल की भी किस्मत का फैसला इसी चरण में होना है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त लोकतंत्र का महापर्व यानी कि चुनाव चल रहा है। बीते कुछ दिनों में 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और आज यानी 27 फरवरी को 5वें चरण का चुनाव होना है, जिसको लेकर सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है और ये मतदान शाम 6 बजे तक होगा, जिसको लेकर तमाम जो जनता है वो मतदान स्थल पर जाकर अपने प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेगी, अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट देगी। तो वहीं आपको बता दें कि इस चरण के चुनावों में योगी सरकार के कई मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मोती सिंह, नंदगोपाल गुप्ता नंदी, सिद्धार्थनाथ सिंह, रमापति शास्त्री, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की आराधना मिश्रा मोना और जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के साथ ही अपना दल के अध्यक्ष कृष्णा पटेल की किस्मत का फैसला भी इसी चरण में होना है। तो आपको बता दें कि कृष्णा पटेल की बेटी, जिन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन किया है, जो इस बार भाजपा के साथ चुनावी मैदान में उतरी है, तो वहीं उनकी मां अपना पटेल कमेरावादी के अध्यक्ष कृष्णा पटेल की भी साख इस बार दांव पर लगी हुई है। तो इन 12 जिलों में 61 सीटों पर मतदान होना है। इसमें चित्रकूट, रायबरेली, प्रयागराज, सुल्तानपुर, अमेठी जैसे तमाम जिले शामिल है। इस दौरान इस चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश की दो बड़ी धर्म नगरी, रामनगरी यानी कि अयोध्या और संगम नगरी यानी कि प्रयागराज में भी मतदान होना है, जिसको लेकर पूरे देश की निगाह इन दोनों ही सीटों पर टिक रखी है, क्योंकि ये दोनों सीटें प्रदेश की हॉट सीटों में मानी जा रही हैं। तो बीते 4 चरणों के चुनाव प्रदेश में हो चुके हैं और अब 5वें चरण की बारी है, जिसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो सके, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन इन सभी जिलों में चप्पे चप्पे पर तैनात है। तो 12 जिले की 61 सीटों पर मतदान होना है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह मतदान स्थल के बाहर पहुंचकर जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगा। इस दौरान चुनाव आयोग की अगर गाइडलाइन की बात की जाए तो चुनाव आयोग ने पहले ही कहा था कि इन सभी चुनावों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन होगा, दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर्स होंगी। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये सारी व्यवस्थाएं मतदान स्थल पर की गई हैं या इस दौरान भी अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिली है। तो वहीं बताते चले कि इस दौरान इस चरण के चुनाव में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है, जिसमें जनसत्ता दल के अध्यक्ष राजा भैया, रघुराज प्रताप सिंह के साथ अपना दल के अध्यक्ष कृष्णा पटेल की किस्मत का भी फैसला आज इसी चरण में होना है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए अमेठी से हमारे संवाददाता विवेक तिवारी जुड़ चुके हैं। तो विवेक जी, अमेठी को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, तो क्या लगता है यहां पे जनता का रुझान किस तरफ जाता हुआ ज्यादा दिखाई दे रहा है? हम अपने संवाददाता से प्रश्न दोबारा पूछना चाहेंगे कि अमेठी को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, तो क्या लगता है जनता का रुझान किस तरफ ज्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है? कि आज 27 तारीख है और 5वें चरण का चुनाव आज होना है, और जिसमें
देखा जा रहा है कि जो मतदाता है वो हर्षोल्लास के साथ आ रहे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। उसी दौरान देखा ये भी जा रहा है कि जो सुरक्षा को लेके अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे चाक चौबंद देखी जा रही है, चाहे वो स्थानीय पुलिस हो या सीआरपीएफ के जवान हो, पूरा सुरक्षा व्यवस्था भी एकदम चाक चौबंद है। और वहीं अगर वृद्ध महिलाओं की बात की जाए जो चल फिर नहीं सकते हैं जो मतदान देने के लिए, तो उनके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है। तो बात की जाए अमेठी की गढ़ की, तो अमेठी की गढ़ रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ये तो गढ़ ही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो सीट है खतरे में दिखाई दे रही है। सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है, जिसको लेकर जनता में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि जनता में उत्साह बहुत है और हर्षोल्लास के साथ आ रहे हैं और अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जनता बहुत खुश नजर आ रही है कि हम अपने एक नए मुख्यमंत्री का चेहरा देखने को उनको मिलेगा। वीरेन जी, कांग्रेस का जो नया घोषणा पत्र इस चुनाव के लिए जारी हुआ है उसमें महिलाओं के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं, तो क्या लगता है अमेठी की महिलाएं इसको देखकर ज्यादा और मताधिकार का अपना इस्तेमाल करेंगी, मतदान स्थल पर ज्यादा जाएंगी? जी, आपको मैं बता दूं कि चाहे वो भाजपा की वरिष्ठ नेता हो या कांग्रेस के नेता हो या सपा के हो या बसपा के हो, सभी नेताओं ने अपनी रैलियां की, अपनी जनसभाएं की, बड़े बड़े लुभावने वादे भी किए। लुभावने वादों में वही प्रियंका गांधी की बात की जाए तो अपने गढ़ में उन्होंने कहा कि महिलाओं को 3 सिलेंडर देंगे, स्कूटी देंगे, बहुत सारे ऐसे लुभावने वादे थे जो उन्होंने लुभावने वादे किए। और देखना ये होगा कि अगर वो जीतती हैं तो क्या वो अपने वादे पे उतर पाती हैं या नहीं। अच्छा वीरेन जी, उत्तर प्रदेश में 4 चरणों का चुनाव अभी तक संपन्न हो चुका है, इस दौरान कई जगह से ईवीएम खराब होने की खबरें आई, झड़प होने की खबरें आई, तो अमेठी से अभी तक कोई ऐसी खबर आई है? जी, अभी हम जानकारी के मुताबिक मैं आपको बताऊं कि अभी तक ऐसी जानकारी कहीं पे नहीं हुई है, और अगर मशीन खराब भी होती है तो उनके लिए सुरक्षा कर्मी तुरंत तैयार हैं कि तुरंत उसको ठीक करने के लिए। जी वीरेन जी, आप लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के मुद्दों को समझ रहे हैं, जनता की परेशानियों को भी समझ रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार की जनता किन मुद्दों पर अपने प्रत्याशियों को चुनेगी? जी, मैं आपको बता दूं, जनता के बीच में जा रहे हैं और वो उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और पहले भी यही मुद्दा रहा है कि उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन भी किया था कि रोड नहीं तो वोट नहीं, जैसे गांव में बोर्ड लगाए गए और बोर्ड का बहिष्कार किया गया, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से उनको मनाया गया कि मत का प्रयोग कीजिए और मत बहुत ही जरूरी है, तो कहीं ना कहीं मत अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं मतदाता कर्मी। वीरेन जी, क्या लगता है कि जो कि हमारे जो अधिकारी हैं जिन्होंने ये कोशिशें की हैं कि वो जनता को मताधिकार के लिए उत्साहित करें, तो क्या लगता है कि जनता का इस पे प्रभाव पड़ेगा, जनता ज्यादा निकलेगी और मताधिकार के लिए? जी, मैं आपको बता दूं कि इस बार चाहे वो भाजपा के मंत्री रहे सुरेश पासी, विधायक जगदीशपुर 184 से, उनके क्षेत्र में कहीं ना कहीं भाजपा को इस बार बहुत बड़ा विरोध का सामना देखने को मिल सकता है। जी, तो क्या लगता है वीरेन जी कि जनता किसको अपने प्रतिनिधि के रूप में आगामी 5 साल के लिए देखना चाहती है? जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि इस बार जनता जो है वो लुभावने वादों में नहीं आने वाली है, जनता को अमेठी के अंदर काम चाहिए और जो सरकार काम देगी हमें लगता है कि जनता उसी के साथ जाएगी, क्योंकि इस बार देखने को ये मिला कि बड़े बड़े वादे किए गए, जनसभाएं की गई कि रोड गड्ढा मुक्त करा दिया जाएगा, तो जनता की कहीं ना कहीं बहुत आक्रोश देखा जा रहा है कि विधायक हो जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, लेकिन उनके बीच में 5 साल कभी जाने का प्रयास नहीं करते, तो इसलिए जनता इस बार आक्रोशित है और अपने मत का सही प्रयोग कर रही है कि हम किन मुद्दों के साथ जाएंगे, वो मुद्दा उनका होगा। जी वीरेन जी, अभी आपने कहा कि जनता ने ये कहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, और अन्य कौन से मुद्दे हैं विकास के जिनको लेकर जनता अपने प्रतिनिधि का या अपने प्रत्याशी को चुनेगी? जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि देखा जाए किसान तो खास नाराज हैं और वहीं ग्रामीण भी नाराज हैं कि उनका जो फसल है, फसल उनकी बर्बाद होती है, जैसे गाय है वो चरती रहती हैं, उनका कोई गौशाला बन तो गए हैं
लेकिन गौशाले में कर्मी नहीं रहते हैं, जो उसमें कर्मचारी होते हैं वो नहीं रहते हैं, और कहीं ना कहीं छुट्टा जानवर जो है उन ग्रामीणों को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जी वीरेन जी, चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है, पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं? जी मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि पुलिस प्रशासन की तरफ से स्थानीय पुलिस सीआरपीएफ जो है वो पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए जैसे वृद्ध महिलाओं की, तो उनके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा एक बेलचेयर का व्यवस्था किया गया है कि जिससे मतदाता कर्मियों को लाया जा सके और उनका मत का प्रयोग कराया जा सके। जी वीरेन जी, लगातार आप अपनी मतदान स्थल पर नजर बनाए रखिएगा, तो धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि इस वक्त प्रदेश में पांचवें चरण का चुनाव हो रहा है, इस दौरान कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है, फिर चाहे वो योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, नंद गोपाल नंदी हो, रमापति शास्त्री हो, आज इन सभी दिग्गजों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा। जबकि अगर बात की जाए अन्य दलों की, तो अपना दल कमेरावादी के अध्यक्ष कृष्णा पटेल की किस्मत आज तय होगी, और राजा भैया की भी आज किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा, लेकिन इसका खुलासा तो 10 मार्च को ही होगा कि आखिर जनता ने जीत का ताज किसके सर पे पहनाए हैं। तो इस दौरान इस वक्त पूरे प्रदेश में लोकतंत्र का महापर्व यानी कि चुनाव चल रहा है, जिसको लेकर 12 जिलों के 61 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही लोग मतदान स्थल पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, और शाम 6 बजे तक जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी, अपने चयनित प्रत्याशी को वोट देगी और आगामी 5 साल के लिए उसको प्रतिनिधि बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह सुबह 7 बजे से ही मतदान स्थल के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। उसमें पुरुष भी शामिल है, महिलाएं भी शामिल हैं। इसको देखकर साफ नजर आता है कि इस बार की जनता मतदान को लेकर काफी कुछ अलर्ट नजर आ रही है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। तो 12 जिलों के 61 सीटों पर वोट हो रहे हैं, 692 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य, राजेंद्र प्रताप सिंह जैसे तमाम दिग्गजों की भी किस्मत का फैसला आज हो जाएगा, तमाम दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। जबकि बीते इसी महीने में प्रदेश में 4 चरणों के मतदान जो है वो संपन्न हो चुके हैं, 4 चरणों में मतदान हो चुके हैं, यानी कि 4 चरणों के जितने भी दिग्गज हैं उन सभी की किस्मत का फैसला हो चुका है, लेकिन इन सभी की दिग्गजों की किस्मत का फैसला ये 10 मार्च को ही सामने आएगा कि आखिर जनता ने किसको अपना उम्मीदवार बनाया है, आखिर जनता की पसंद कौन है, जनता को किस प्रतिनिधि का काम ज्यादा समझ में आया है। इसी के आधार पर इस बार जनता वोट दे रही है, इस बार जनता का मुद्दा है विकास। तो पांचवें चरण का मतदान सुबह 7 बजे से ही जारी है, और लगातार जो जनता है, जो युवा है, जो महिलाएं हैं, वो लगातार मतदान स्थल पर जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं कि सुबह 7 बजे से ही मतदान स्थल के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, जबकि पुलिस प्रशासन भी चप्पे चप्पे पर तैनात है कि बीते 4 चरणों में जो भी छुटपुट घटनाएँ सामने आई हैं, हिंसक झड़प की घटनाएँ सामने आई हैं, ये सारी घटनाएँ सामने ना आने पाए। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए कौशाम्बी से हमारे संवाददाता देवानंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो देवानंद जी, सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है, इसको लेकर जनता में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? मैं चित्रकूट से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं 237 मऊ मानिकपुर विधानसभा में, यहाँ पे जनता का उत्साह ये है कि लेडीज और पुरुष वर्ग के लोग जो है बराबर वोट कर रहे हैं, और शांतिपूर्ण तरीके से जो है वोटिंग हो रही है। अभी तक कोई समस्या यहाँ पे नहीं है, जो कि 10% मतदान हो चुका है, और लोगों से बात भी करता हूँ। यहाँ पे कुछ लोग किस मुद्दे पे वोट किए हैं? सर आपका क्या नाम पड़ेगा? सर मेरा नाम सर दिनेश दुबे, ग्राम दुड़िया माफी, 237 मूल निवासी। सर आप किस मुद्दे पे वोट किए इस बार? मैं विकास के नाम पे वोट दिया हूँ, विकास। तो इसी तरह से मैम आप देख सकती हैं कि लोग विकास के मुद्दे पे वोट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है सिर्फ विकास के मुद्दे पे लोगों को वोट जा भी रहा है। जी आप हमारे साथ चित्रकूट से जुड़े हैं, तो 2017 का चित्रकूट का जो चुनावी नतीजा था वो क्या था? 2017 में यहाँ पे मैडम जो है उपचुनाव हुआ था,
यहाँ पे जो है ये बीजेपी के खाते में गई थी ये सीट, और यही सीट इस बार अपना दल एस के खाते में गई। सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां कर रही है, पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? यहाँ पे पुलिस प्रशासन पूरी तरह से देख सकते हैं, पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही, और अंदर यही वो वोटिंग की जगह है जो प्राथमिक विद्यालय डोंडिया माफी है, और यहाँ पे बराबर जो है पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और लोगों को वोट डालने में कोई तरह की समस्या नहीं आ रही है। चुनाव को लेकर लगातार जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो तमाम पार्टियों के दिग्गज हैं, वो डोर टू डोर कैंपेन के जरिए जनता के बीच जाकर संबोधित कर रही थी, तो क्या लगता है कि इस बार की जनता किसके पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है? क्या इस बार भी मोदी और योगी लहर का असर देखने को मिलेगा, या फिर जनता किसी और पार्टी के प्रत्याशी को मौका देगी? जी, अभी तक 237 मऊ मानिकपुर विधानसभा में पूरा भ्रमण करने के दौरान हमको तो यही दिख रहा है कि विकास के मुद्दे पे लोग वोट करें, और मोदी योगी की जो हवा है वो यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरीके से चल रही है, जो कि यहाँ बिल्कुल देखा जाए तो किसी और का लहर भी नहीं देखा गया। इस चुनाव में कौन कौन से प्रत्याशी जो है जिनकी जिनकी साख दांव पर लगी रखी है, क्या आप उनके बारे में मुझे कुछ बताएंगे वीरेन जी? जी जी, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी वोट करके आई मैडम, मैं उनसे भी बात करता हूँ कि किस मुद्दे पे वोट की है। बहन जी, आपका क्या नाम पड़ेगा? किस मुद्दे पे आपने वोट किया है? चलिए, इन्होंने जो है बिल्कुल से बताने से मना कर दिया है, लेकिन यहाँ पे जो है आप जो कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पे ही लोग वोट कर रहे हैं मैडम। देवानंद जी, कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए तमाम बड़े वादे और दावे किए गए हैं, तो क्या लगता है जो हमारी महिला वोटर्स है उन पर इसका कितना असर पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं देखा जाए, यहाँ पे बिल्कुल कोई तरक नहीं, सिर्फ महिलाओं से जो भी बात की जा रही है वो विकास के मुद्दे पे। मैंने बहुत सारी महिलाओं से भी बात किया हूँ, अभी और भी महिलाएं मतदान करके बाहर आ रहे हैं, तो उनसे भी बात करके आपको जो है मैं रूबरू कराता हूँ कि वो भी यही विकास के मुद्दे पे ही वोट कर रही है। धन्यवाद देवानंद जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप लगातार मतदान स्थल पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, तो 12 जिलों के 61 सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं अगर बात हम चित्रकूट की करें, तो चित्रकूट में की जो जनता है वो विकास के मुद्दों पर ही अपने प्रत्याशी को चुन रही है, विकास ही वहाँ के लोगों का मुद्दा है, उसी मुद्दे के बल पर वो मतदान स्थल पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, और ऐसे प्रतिनिधि को लाना चाहते हैं जो क्षेत्र के साथ साथ जनता का भी विकास करे। तो अगर बात किया जाए बीते 4 चरणों की, तो बीते 4 चरणों की जनता का भी सिर्फ एक ही मुद्दा था, विकास। वो विकास के बल पर ही मतदान स्थल पर पहुंच रहे थे, विकास के बल पर ही वो अपने प्रतिनिधि का चयन कर रहे थे। तो 5वें चरण का मतदान जारी है, सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगा। वहीं इस दौरान इस चरण के चुनाव में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है, फिर चाहे वो हो नंदगोपाल नंदी हो, रमापति शास्त्री हो, ऐसे तमाम कई दिग्गज है जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। वही अपना दल कमेरावादी कृष्णा पटेल की भी किस्मत का फैसला आज होना है, राजा भैया की भी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में शाम 6 बजे तक कैद हो जाएगा। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार जनता जो है वो मतदान स्थल पर पहुंच रही है, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है, और आगामी 5 साल के लिए अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट करने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। वही चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 2 बड़ी धर्मनगरी भी शामिल हैं, जिनमें रामनगरी, अयोध्या और प्रयागराज भी शामिल हैं। ये दोनों ऐसी सीटें हैं जिन पर पूरे प्रदेश की निगाह टिकी हुई है, क्योंकि यही दोनों सीटें जो है वो हॉट सीटों में गिनी जाती है। इस दौरान इन दोनों ही जगहों पर सपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर भी देखने को मिलेगी। दोनों ही जगहों पर जो प्रत्याशी हैं उनमें कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। वह चरण के चुनावों में गोंडा, श्रावस्ती, बाराबंकी समेत तमाम जिलों में लगातार सुबह 7 बजे से ही लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, घरों से निकलकर, फिर चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हो, हिंदू वोटर्स हो, लगातार अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं। शाम 6 बजे तक कई दिग्गजों की किस्मत भी है ईवीएम में कैद हो जाएगी। 12 जिलों की 61 सीटों पर लगातार मतदान हो रहा है, 692 उम्मीदवार इस चरण के चुनावों में मैदान में उतरे हैं। तो 2022 चुनावों के 5 बड़े मुद्दे भी हैं, राम मंदिर का निर्माण, मुफ्त राशन, ये सारे तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर तमाम पार्टियों के प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में उतरे हैं।
इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए अयोध्या से राघवेंद्र जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है, जिसको लेकर जनता में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल मुस्कान, जिस तरीके देखा जा रहा है कि अयोध्या में भी मतदान सुबह 7 बजे से चालू हो गया है। आपको मैं बताऊंगा कि मैं आज बीकापुर विधानसभा के पोलिंग बूथ नंबर पे पहुंचा हूं और जो कि यहां का जायजा ले रहा हूं, और आप देख सकते हैं कि यहां पे पुलिस के जवान भी यहां मौजूद हैं कि जो पोलिंग बूथ का निरीक्षण करने के लिए आए हैं। एसपी ग्रामीण हैं हमारे साथ में, और यहां पे कुछ लोग वोट डाल करके भी आए हैं हमारे साथ, और इनसे भी हम बात करेंगे। जी बताएं। राघवेंद्र जी, चुनाव 7 बजे से शुरू हो चुका है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन कितना कुछ अलर्ट नजर आ रहा है? पुलिस ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं? जी बिल्कुल, हमारे साथ में है एसपी ग्रामीण हैं, हम इनसे बात करेंगे। हमारे जो यहां पे हैं पुलिस के आला अधिकारी हैं, हम इनसे बात करेंगे कि क्या 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 कुछ तैयारी कर रखा है और यहाँ पे कैसे मतदान चल रहा है। हम इनको बताते हैं कि सुबह से आप यहाँ पे लगे पड़े हैं, मतदान कैसे चल रहा है और क्या पूरी व्यवस्था है यहाँ पे? जी व्यवस्था बहुत अच्छे से है, मतदान सुबह से चल रहा है। सुबह 7 बजे मतदान स्टार्ट कर दिया गया था, बहुत सभी कर्मी मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। तो बिल्कुल, अगर बात की जाए पुलिस प्रशासन की, तो मतदान जो है यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। जी मुस्कान। राघवेंद्र जी, बीते कुछ दिनों में लगातार कई पार्टी के प्रत्याशियों की झड़प की खबरें सामने आई थी। ऐसी भी खबरें सामने आई थी कि कांग्रेस के प्रत्याशी पर बीते दिनों हमला भी किया गया था, तो इसको लेकर पुलिस ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी है कि कोई भी ऐसी हिंसा की खबर सामने ना आए? देखिए, अगर बात की जाएगी पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन जो है वो सुबह से ही रनिंग मूड में है, और जगह जगह चाहे रूरल एरिया हो चाहे सिटी एरिया हो, इसको लेकर के, और सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक पोलिंग बूथ पर पुलिस व्यवस्था का जायजा जो है वो हर पल की ले रहे हैं, चाहे वो एसपी ग्रामीण हो चाहे एसएसपी यहाँ के फैजाबाद के शैलेश पांडे हो, सब मौजूद है। जी तो लगातार जब सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, तो इसको लेकर महिलाओं की भागीदारी कितनी नजर आ रही है, महिलाएं कितनी एक्टिव नजर आ रही है इस बार के चुनावों में? जी बिल्कुल, अगर महिलाओं के बारे में बात की जाएगी, तो महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि मौसम भी आपको बता दें कि सुबह से मौसम बहुत अच्छा रहा है, तो महिलाएं अभी यहाँ पे मतदान कर रही हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ में हैं जो कि शायद मतदान करके आई हैं, निकल रही हैं हमारे साथ में, और हम इनसे बात करेंगे। आ जाइए माता जी, हम मतदान करके आई हैं, कैसा महसूस हो रहा है? हाँ अच्छा, सरकार कैसे चाहती हैं आप? सरकार अच्छा अच्छा तो बिल्कुल मुस्कान, जिस तरीके देख रही हैं आप कि हमारे साथ में कुछ महिलाएं थी, ये खुद वोटिंग करके निकल रही हैं, तो और हमारे पास में यहाँ पे इस मामले को जो निरीक्षण कर रहे हैं मजिस्ट्रेट हैं, हम इनसे बात करेंगे। किस तरह रूरल एरिया में आप जा रहे हैं, क्या क्या कैसे मतदान चल रहा है? मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है, भारत निर्वाचन आयोग की जी जी, अभी तक कहाँ कहाँ आप गए हैं और क्या कितने बूथ चेक किए? कई पोलिंग सेंटर में कवर किया हूँ। शुरुआत में ये हम लोगों का प्रयास ये होता है कि शुरू में समय पर 7 बजे की पोलिंग होना है, तो 7 बजे से पोलिंग शुरू हो जाए, और उससे पहले जो प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं सारी प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित हो जाए। हम लोग टहल करके देख रहे हैं जहाँ जहाँ भी जैसे भी जा रहे हैं, लगभग हर जगह ये पता चल रहा है कि 7 बजे से हमारा किसी पोलिंग बूथों पे कोई गड़बड़ी या और कोई चीज ऐसा कहीं नहीं? बिल्कुल, आप मुस्कान देख सकती है कि अभी तक कोई ऐसी समस्या नहीं आई है कि किसी भी पोलिंग बूथ पर, और यहाँ की जो प्रशासन है चाहे शासन प्रशासन सारे अलर्ट हैं। राघवेंद्र जी, राम मंदिर निर्माण का मुद्दा ये पूरे प्रदेश के लिए नहीं देश के लिए भी एक हॉट टॉपिक था, तो अब तो राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, तो क्या लगता है राम मंदिर निर्माण सियासी समीकरण को बनाने या बिगाड़ने में कितना महत्वपूर्ण साबित होगा? बिल्कुल, अगर राम मंदिर निर्माण की बात की जाए, तो आपको बता दें मुस्कान की अयोध्या जो है वो भाजपा का गढ़ माना जाता है, तो इसके पहले जो है अयोध्या की, अयोध्या में 5 विधानसभा है, 500 विधानसभा पे 500 विधायक जो है भाजपा के रहे हैं, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक बार फिर जो है यहाँ की जनता जो है वो अपना मूड बना रखा है, क्या है ये दस के बाद कर सकते।
राघवेंद्र जी, बात अगर 2017 की जाए तो 2017 में अयोध्या से चुनावी नतीजे क्या सामने आए थे? जी बिल्कुल मुस्कान, बता दें कि भाजपा के पांचों विधानसभा से पांचों प्रत्याशी बीजेपी के ही थे और उन्हीं के ऊपर बीजेपी ने एक बार फिर दांव खेला है। पांचों विधायकों का टिकट फिर से दिया गया है और 10 तारीख को इनके भाग्य का फैसला होगा। राघवेंद्र जी, 2017 में तो भाजपा के ही पांच विधायक जो थे उनको ही 2022 में भी चुनावी मैदान में उतारा गया है, लेकिन अगर सपा की बात की जाए तो क्या सपा ने भी 2017 के ही प्रत्याशियों को 2022 में भी चुनावी मैदान में उतारा है या कुछ प्रत्याशियों में बदल फेर किया, उलट फेर किया हुआ है? देखिए, अगर समाजवादी पार्टी की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी जो है 2017 के ही तर्ज पे प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन उसमें एक प्रत्याशी जो रुदौली विधानसभा का है वो बदला गया है, तो इसको लेकर के हाँ तीन प्रत्याशी थे जो कि पूर्व विधायक अभय सिंह है, आनंद सेन यादव हैं और यहाँ से पूर्व मंत्री रह चुके हैं अयोध्या से तेज नारायण पांडे। ठीक है जी, क्या लगता है राघवेंद्र जी, ये जो सपा ने अपना एक प्रत्याशी बदला है, ये एक प्रत्याशी उन्हें जीत दिलाने में कामयाब साबित होगा या फिर अयोध्या में एक बार फिर भगवा लहराएगा? देखिए, अगर बात की जाएगी तो वो बहुजन समाज पार्टी से निकल करके और सपा का दामन थामे हुए हैं अब्बास अली जैदी उस रोटी मियां, तो अब माहौल देखिए क्या बनता है उनके लिए, ये 10 के बाद ही पता लगेगा। राघवेंद्र जी, आप लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के मुद्दों को समझ रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार अयोध्या की जनता अपने कौन से मुद्दे को लेकर मतदान स्थल पर पहुंचेगी? देखिए, जो अयोध्या की जनता की बात की जाएगी तो अयोध्या की जनता जो है वो विकास कार्यों को लेकर के, विकास में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, विकास को लेकर के और शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, ये सारी चीजों को लेकर के वो वोटिंग कर रही है। अयोध्या वासियों के विकास के मुद्दे में कौन कौन सी ऐसी बड़ी चीजें शुमार है जिनको लेकर वो बदलाव चाहती है? जी बिल्कुल, अगर बात करें अयोध्या के विकास की तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर तो है, यही सारे मामलों को लेकर के यहाँ पर यहाँ की जनता जो है वोटिंग कर रही है। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खबर पर अयोध्या से हमारे संवाददाता जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है, जिसको लेकर उन्होंने मतदान स्थल पर अधिकारियों से बात भी की, लोगों से जायजा लिया कि आखिर उनका पसंदीदा प्रतिनिधि कौन है, वो कौन से मुद्दों को लेकर मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं। और हमारे संवाददाता ने ये भी बताया कि राम मंदिर निर्माण का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि इस बार फिर एक बार अयोध्या में योगी मोदी लहर का असर देखने को मिले। तो इस बार प्रदेश की दो बड़ी हॉट सीटें शामिल है जिस पर पूरे प्रदेश की निगाह टिकी हुई है, वो है अयोध्या और प्रयागराज। इन दोनों ही जगहों पर इस वक्त पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई है कि आखिर यहां से कौन सा प्रतिनिधि के पक्ष में जनता वोट देती है, कौन से प्रतिनिधि को जनता आगामी 5 साल के लिए चुनती है। तो 12 जिलों के 61 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान हो रहा है और ये शाम 6 बजे तक चलेगा। इस दौरान तमाम दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। रमेश चंद्र गौतम, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, केशव प्रसाद मौर्य, कृष्णा पटेल, राजा भैया, ये सभी तमाम ऐसे दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का फैसला इस बार ईवीएम में कैद हो जाएगा। वहीं बीते 4 चरणों के चुनाव उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं, जिसमें कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। इसका खुलासा 10 मार्च को आएगा कि आगामी 5 साल के लिए आखिर जनता ने किसको मौका दिया है, किसको अपना प्रतिनिधि बनाया है और किसके काम से खुश नजर आई है, क्योंकि बड़ा मुद्दा यही है कि हर 5 साल बाद जनता अपने प्रत्याशी द्वारा किए गए काम से ही अपना डिसीजन तय करती है और ये तय करती है कि आखिर वो और 5 साल के लिए किसको चुनावी मैदान में उतार रही है। बहराइच से उदय शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है जो शाम 6 बजे तक चलेगा, इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं? आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पुलिस प्रशासन पूरी तरह एक्टिव है और यहाँ पर लगातार वो क्षेत्रों में भ्रमण कर रही है, जितने भी यहाँ पर बूथ बनाए गए हैं लगातार वहां भी देख रहे हैं, किसी भी जो डाल के प्रत्याशी निकल रहे हैं उनको खड़ा होने नहीं दिया जा रहा।
आप मतदान स्थल पर मौजूद है तो क्या हमें दिखाएंगे कि मतदान स्थल पर इस वक्त लोगों की कितनी भारी भीड़ देखने को मिल रही है? जी आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है सुबह 7 बजे से ही मतदाता जो है निकलना शुरू हो गए हैं और यहाँ का इस बार का जो प्रतिशत है वो काफी जो है वो सही जाने वाला है। आपको दिखाना चाहेंगे कि इस समय हम राष्ट्रीय बालिका इंटर जो है कॉलेज पे खड़े हैं, यहाँ पर सुबह 7 बजे से ही जो है मतदान शुरू हो गया। इस बार जो जिन पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है उनसे जनता की क्या उम्मीदें हैं? क्या जनता जो इस बार के अभी के तत्काल विधायक है उनके कामों से खुश नजर आ रही है या फिर चुनावी समीकरण बिगड़ सकते हैं इस बार के? अभी हमारी एक बुजुर्ग से बात हुई जो कि किसान थे और काफी बुजुर्ग थे, लगभग 75 साल उनकी उम्र थी। उन्होंने बताया कि इस समय जो छुट्टा जानवर है वो काफी किसानों को परेशान कर रहे हैं, जल्द ही जो है अगर इससे निजात नहीं मिलेगी तो काफी जो है किसानों में रोष देखने को मिल सकता है। क्या ऐसा भी खबरें सामने आई है कि लगातार जो है जनता जो है मतदान बहिष्कार की भी बातें कर रही है, तो क्या अभी तक कहीं से ऐसी खबर सामने आई है कि जहां की जनता ने अपने मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान किया है? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है। सुबह 7 बजे से जब से मतदान शुरू हुआ है अभी सफल जो है वो चल रहा है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या अभी किसी जगह से जो है कोई अपडेट नहीं मिली। 2017 के चुनावी नतीजे बहराइच से क्या रहे थे? 2017 का जो चुनाव हुआ यहाँ पर 7 विधानसभा है और आपको बता दें कि 6 विधानसभा जो है ये भाजपा के जो है गोद में गिरी और 13 विधानसभा जो है ये सपा को यहाँ से जीत मिली। तो क्या लगता है कि जनता इनके कार्यों से, इनके विकास कार्यों से संतुष्ट नजर आ रही है या फिर किसी अन्य पार्टी के प्रत्याशियों को यहाँ से जीत का बिगुल बजेगा या जीत मिलेगी वहाँ से? जी आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे कि ये तो 10 मार्च को ही जो है पता मिलेगा कि जनता किसकी तरफ अपना रूप दिखा रही है। हालांकि यहाँ पर जो है जनता मतदान के लिए जो निकल रही है कुछ ना कुछ सोचकर अपने प्रत्याशी के बारे में ही आज मतदान करेगी। महिला और युवा वोटर इस चुनाव में कितनी निर्णायक भूमिका में नजर आ रहे हैं, वो कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं? हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी काफी संख्या में जो है मतदान करते हुए दिख रही हैं और जो युवा है वो बढ़ चढ़ करके इस बार जो है मतदान में वो हिस्सा ले रहे हैं। 2022 की अगर बात की जाए तो देवरिया में ऐसी हॉट सीट कौन सी है जिस पर लोगों की निगाह गड़ी हुई है कि आखिर यहाँ से कौन सा प्रत्याशी जीत दर्ज करा के आगामी 5 साल के लिए विधायक बनता है? उदय शंकर जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी आपको बताना चाहेंगे कि सबसे हार्ड सीट जो है ये बहराइच की मानी जा रही है, जहां पर इस समय भाजपा और सपा दोनों की जो है लंबी टक्कर चल रही है। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आपने बहराइच से हमारे संवाददाता को सुना, उन्होंने कहा कि बहराइच की जो सीट है वहां पे भाजपा और सपा में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जिसका खुलासा 10 मार्च को होगा कि आखिर ये टक्कर कितनी ज्यादा मजबूत थी, कितने ज्यादा वोटों से कौन से पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है, कितने वोटों से कौन से पार्टी का प्रत्याशी हारा है। और इसका फैसला भी 10 मार्च को ही आएगा कि आखिर जो इस समय के तत्काल विधायक है उनके काम से जनता कितनी खुश नजर आ रही है। तो वहीं इस वक्त पूरे प्रदेश में चुनावी माहौल है, जहां 12 जिलों के 61 सीटों पर यानी कि 5वें चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन से लेकर सभी अधिकारी अलर्ट मोड पर एक्टिव हो चुके हैं कि कहीं से कोई भी हिंसा की खबरें ना आए। और इसको लेकर चुनाव आयोग भी पूरी तरह से अपनी कमर कस चुका है कि बीते 4 चरणों में जहां से ईवीएम खराब होने की खबरें सामने आई है, ऐसी कोई भी खबर इस चरण के चुनावों में सामने ना आए। तो अभी आपने सुना हमारे संवाददाता को, उन्होंने बताया कि इस बार की जनता का मुद्दा है विकास, वो विकास के ही बल पर अपने प्रत्याशियों को चुनेंगी, विकास के ही बल पर नए विधायक को चुनेंगी जो उनके साथ साथ उनके क्षेत्र का भी विकास बराबरी से कराए। सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है, जिसको लेकर तमाम पार्टी के प्रत्याशी जो हैं उनकी साख दांव पर लगी है। वो सिद्धार्थनाथ सिंह हो, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, ये सभी योगी सरकार के ऐसे मंत्री हैं जिनकी साख दांव पर लगी है, यानी कि इन सभी प्रत्याशियों की किस्मत आज तय हो जाएगी। लेकिन इसका खुलासा 10 मार्च को ही होगा कि आखिर जनता इन सभी प्रत्याशियों के और योगी सरकार के मंत्रियों के कामकाज से खुश है या नहीं है, क्या इस बार भी किसी अन्य पार्टी का वर्चस्व देखने को मिलेगा या फिर इन सभी जगहों पर भगवा लहराता हुआ नजर आएगा, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा।
इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता प्रेम मिश्रा जुड़ चुके हैं। तो प्रेम मिश्रा, सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट है और जनता में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? प्रेम मिश्रा, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी, आपकी पूरी चाहिए। बिल्कुल, बता दें कि 5वें चरण का आज मतदान है और मतदान में पूरी तरीके से जो यहाँ के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, पूरी तरीके से जागरूक हैं। और जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, इस समय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाबागंज विधानसभा क्षेत्र जो लगता है यहाँ पर मौजूद है। थोड़ा सा कैमरा इधर की दिखाएं, जो लोग हैं सुबह से जो लोग हैं जिस तरीके से मतदान करने के लिए सुबह से ही, जिस तरीके सुबह जो है वो थोड़ा सा ठंड का मौसम होता है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो पहले मतदान के जलपान ये सुबह से ही पंक्ति में खड़े हैं और मतदान प्रक्रिया जो है उसे यहाँ पर जारी है। उनको बता दिए बाबागंज विधानसभा क्षेत्र लगता है, जहाँ पर सुबह से ही जो है कई चरणों में बूथ जो है बनाए गए हैं। वहाँ पर लोग जो है वो अपने पंक्तिबद्ध तरीके से खड़े होकर मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक पूरे कर रहे हैं। जी प्रेम जी, प्रतापगढ़ में 2 हॉट सीट ऐसी हैं जहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिलेगी, फिर चाहे वो कुंडा विधानसभा सीट हो या फिर रामपुर खास की विधानसभा सीट हो, इन दोनों ही जगहों पर वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिलेगी। तो क्या लगता है इस वर्चस्व की लड़ाई में किसको जीत मिलेगी? बिल्कुल, बता दें कि यदि कुंडा विधानसभा और रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ दोनों जगह वर्चस्व की लड़ाई है और पूरी तरीके से यहाँ पर जो प्रतापगढ़ के दिग्गज कहा जाए, प्रतापगढ़ के दिग्गज नेता जो है, एक तरफ आराधना मिश्रा मोना और दूसरी तरफ राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, उन्हीं की ये सीट 19 के ही खेमे से यहाँ पर विनोद सरोज जी जनसत्ता लोकतांत्रिक दल से खड़े हुए हैं, जिनका अभी चुनाव चिन्ह आ रही है और उन्हीं के खेमे से ये चुनाव हर बार लड़ते रहे हैं। तो बेहद दिलचस्प आज का ये चुनाव है। पूरी तरीके से कुंडा और जो रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर चुनावी माहौल जो है अभी तक पूरी तरीके शांत है। जो प्रशासनिक व्यवस्था है पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है कि कहीं पर भी कोई भी असुविधा न महसूस हो सके, ना ही यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें किसी भी तरीके से असुविधा हो सके और शांतिपूर्वक ढंग से मतदान है। लेकिन जो वर्चस्व की बात की जाए मैम, तो जनपद प्रतापगढ़ की ये दोनों सीटों पर वर्चस्व की पूरी तरीके से लड़ाई है और इसी के खेमे से विधानसभा पट्टी की बात की जाए तो वहां पर भी कैबिनेट मंत्री मोती सिंह और राम सिंह के बीच में बेहद कांटे की टक्कर है और देखना होगा कि अब की बार जनता में क्या कुछ रुख नजर आता है। ये तो फैसला 10 मार्च ही तय करेगा, लेकिन हाल में ही अगर हम बात करें तो कुंडा विधानसभा क्षेत्र की तो बेहद रोचक और दिलचस्प आज देखने को मिलेगा चुनावी माहौल। प्रेम जी, अगर रामपुर खास विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ से आराधना मिश्रा मोना 2 बार विधायक रह चुकी है, तो क्या लगता है इस बार की भी जनता उनको ही विधायक बनाएगी या फिर किसी अन्य पार्टी का वहाँ पे झंडा लहराएगा? बिल्कुल, अगर बात करें रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र की तो आराधना मिश्रा मोना, उनके जो पिता वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी कई बार लगातार वहां से विधायक रहे हैं और उनकी ही पुत्री आराधना मिश्रा मोना 2 बार से लगातार विधायक रहेंगे। आपकी बार वो 3रा बार रहेगा जब वो पूरी तरीके से चुनावी मैदान में है और अब की बार देखना ही होगा कि रामपुर खास में क्या इसका असर जनता पे पड़ेगा, क्या अब की बार विकास बोलता है या फिर अब की बार जो है वो केवल चुनावी घोषणा पर ही रह जाता है। फिलहाल जो आम जनमानस की बात करें तो अब की बार यह कहना मुश्किल है कि इस पार्टी के खेमे में यह सीट जा रही है। बेहद रोमांचक मुकाबला रामपुर खास का बना हुआ है। जी प्रेम जी, अगर कुंडा विधानसभा सीट की बात की जाए तो वहां पे तो टक्कर की लड़ाई देखने को मिल रही है, तो क्या लगता है जनता का समर्थन किसको ज्यादा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? अगर बात करें मैडम कुंडा विधानसभा क्षेत्र की तो पूरी तरीके से कुंडा विधानसभा क्षेत्र में राजा भैया के खेमे में अधिक लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन जो गुलशन यादव जी हैं वो भी पूरी तरीके से उनके साथ कंधे से कंधा, यानी टक्कर की लड़ाई जो कही जा सकती है, ये नहीं कहा जा सकता कि राजा भैया बेहद भारी भरकम मतदान से जीत रहे हैं। तो अब की बार ये जनता जो है वो कहीं पर भी रुख पलट सकती है। जनमानस जो है, मतदाता जो है, जिस तरीके से आपको बता दें, फिर से एक बार दिखाना चाहेंगे हम अपने दर्शकों को, यह सुबह से ये पंक्ति बता रही है, लोग बता रहे हैं कि इनको मतदान करने के लिए जो ललक है इनके अंदर वो कितनी तेजी से बनी है, इनके अंदर वो मतदान प्रक्रिया को पूर्ण करने की ललक है। सुबह से ही ये मतदान स्थल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं पंक्तिबद्ध लोग धीरे धीरे मतदान की ओर आगे भी बढ़ते आ रहे हैं। ये वो गेट है जहाँ से ये मतदान करने के लिए लोग बारी बारी से आ रहे हैं, बारी बारी से यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं। यहाँ पर एजेंट की व्यवस्था करवाई गई है और बात करें कोविड नियमों का पूरी तरीके से पालन करवाते ही यहाँ पर लोगों को मौजूद किया गया है
और यहाँ पर जो लोग हैं वो पूरी तरीके से बारी बारी करके अपने पंक्ति में जाकर के मतदान कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से शांतिमय अभी तक माहौल देखने को मिला जनपद प्रतापगढ़ की सीटों पर। अब आगे क्या होता है ये हाल में ही प्राइम टीवी लगातार इस पर चुस्त दुरुस्त है। जनपद प्रतापगढ़ की प्रत्येक विधानसभा की सीटों पर क्या कुछ हो रहा है, हर चुनावी हलचल सबसे पहले नजर पे रखेंगे। प्रेम जी, इस वक्त आप मतदान स्थल पर मौजूद है, तो क्या आप जो भी मतदान करने जो लोग आए हैं, क्या आप उनसे बातचीत करके उनके विकास के मुद्दों को जनता को बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, हम उनसे चाहेंगे कि हम उनसे बातचीत करें और उनसे हम जानते हैं इस बार उनका मुद्दा क्या होता है और किन मुद्दों पर अबकी बार मतदान करेंगे। तो जैसा यहाँ पर कुछ लोग हैं जहाँ हम बातचीत करते हैं, ये जो एजेंट बने हुए हैं यहाँ पर, ये किस पार्टी से और अबकी बार क्या इनकी मुहिम है और किस तरीके से अबकी बार किन मुद्दों पर मतदान करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं भाई साहब, अबकी बार मतदान करने का क्या कुछ मुद्दा रहेगा? मतदान करने का मुद्दा यही रहेगा, विकास हो रहा है यहाँ पे, सत्ता जीत रही आ रही। तो मैम देख सकते हैं यहाँ पर जनसत्ता लोकतांत्रिक दल यानी राजा भैया की सीट जो यहाँ बाबागंज विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर लोगों का अभी सुझाव है। हम और भी बात करेंगे, लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अब की बार क्या विकास के नाम पर लोग मतदान करेंगे या फिर चुनावी घोषणा पत्र पर? विकास क्या अमूमन यहाँ पर किस किन किन मुद्दों पर आप मतदान करेंगे? रोड हमारे यहाँ नहीं बनी थी, काम कर रही क्या जो विकास कार्य है, विकास कार्य से आप संतुष्ट हैं? जो विधायक यहाँ पर मौजूद हैं वो क्या उन्हीं को मतदान करेंगे या फिर अबकी बार सत्ता का पलटवार करेंगे? नहीं, उनको मतदान होगा, यहाँ एक ही राज चलता है, जयराम जी। तो सुन सकते हैं मैम, यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि एक ही राज है, जय रघुराज। तो ये यहाँ के लोग हैं, ये यहाँ का जनमानस है जो पूरी तरीके से अबकी बार पूरी तरीके से मुस्तैद है और ये इनके कहना है कि अबकी बार जो है वो विकास के नाम पर यहाँ पर मतदान किया जा रहा है। विकास के नाम पर हम और भी लोग हमारे पीछे खड़े हैं यहाँ पर पंक्ति में, आप देख सकते हैं कि इन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। काका जी, आपकी क्या रणनीति है, किन मुद्दों पर अबकी बार मतदान करने के आए हैं आप, किन मुद्दों पर मतदान करेंगे आप? अच्छा, आप किस मुद्दों पर अबकी बार मतदान करने वाले? अच्छा, तो क्या कुछ मुद्दे आपका है या फिर नहीं बदल के? अच्छा अच्छा, तो यहाँ और भी लोग हैं, चाहते जी क्या मुद्दे पर आप मतदान करने आए हैं? अच्छा, तो यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनका अलग अलग तरीके से सुझाव आ रहा है, मैम देख सकते हैं। तो यह बाबागंज विधानसभा का नजारा है जहाँ पर लोग हैं सुबह से मौजूद हैं, सुबह से अपने अपनी बारी का इंतजार करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कर रहे हैं। जी प्रेम जी, मतदान स्थल पर महिलाओं की भागीदारी क्या देखने को मिल रही है? और हम आपसे चाहेंगे कि अगर मतदान स्थल पर इस वक्त कोई महिला मौजूद है तो आप उनसे भी बात करें, उनके भी मुद्दों को जाने। बिल्कुल, यहाँ पर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं के लिए अलग से बनाई गई है, अलग से पंथ बनाई गई है। हम चाहेंगे कि हम उनके पास भी धीरे धीरे जाएं और उनकी बातों से, उनके मुद्दों से आपको रूबरू करवाते हैं। महिलाओं का आपकी बार क्या खुल जाएगा, इस तरीके से कांग्रेस ने अभी लड़ सकती हूँ का नारा दिया है, तो क्या महिलाओं को लड़की हूँ लड़ सकती है या फिर महिलाओं के लिए 40% आरक्षण समेत कई कांग्रेस पार्टी ने ऐसी योजनाएं चलाई है, तो महिला कितनी परसेंट उन मुद्दों से संतुष्ट है, इनको लेकर हमारे साथ काकी जी, आपकी क्या मुद्दा रहेगा, मुद्दों पर मतदान करेंगी? तो आप किन मुद्दों पर मतदान करने वाली हैं? अरे, तो यहाँ जो महिलाएं हैं मैम वो पूरी तरीके से बोलने में असमर्थ नजर आ रही हैं, तो हमारे पीछे और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे प्रयास करेंगे कि वो कुछ बोले और कुछ है। तो क्या असमर्थ नजर आ रही है, मैम देख सकती है या कि महिलाओं को प्रयास जो कहा जाए कि नहीं बोल रही, मुंह कर रही है। जी धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि इस वक्त प्रतापगढ़ में भी लोग पूरे जोश के साथ मतदान स्थल पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रतापगढ़ के वासियों का भी यही मुद्दा है कि वो विकास के मुद्दों पर ही इस बार के अपने प्रतिनिधि का चयन करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। तो जब प्रतापगढ़ में देखा जाए तो प्रतापगढ़ में वर्चस्व की लड़ाई ज्यादा देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ रामपुर खास से आराधना मिश्रा मोना चुनावी मैदान में उतरी हैं तो दूसरी तरफ कुंडा से राजा भैया की भी साख दांव पर लगी है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कुंडा विधानसभा सीट या रामपुर खास विधानसभा सीट में भी किसको विजय मिलती है, कौन जीत का परचम लहराने में कामयाब होता है, इसका खुलासा तो 10 मार्च को ही होगा कि आखिर जनता को
राजा भैया के या आराधना मिश्रा मोना के विकास कार्य समझ में आए हैं? अगर ऐसा वाकई में होता है तो 10 मार्च को वाकई में इनको जीत मिलेगी, वरना फिर किसी अन्य पार्टी का वर्चस्व वहां पे स्थापित हो जाएगा। तो इस वक्त 12 जिलों के 61 सीटों पर लगातार मतदान हो रहे हैं। मतदान स्थल पर बड़ी संख्या में लोग अब पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर चाहे वो पुरुष हो, महिलाएं हो या फिर युवा वर्ग ही क्यों ना हो। इस बार की जनता पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है, अलर्ट नजर आ रही है और अपने मताधिकार का पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए सुबह 7 बजे से ही मतदान स्थल पर जुट रही है और ये मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस दौरान मतदान स्थल पर लोग जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, अपने चयनित प्रत्याशियों को, अपने पसंदीदा प्रत्याशियों को वोट देकर आगामी 5 साल के लिए चुनेंगे। लेकिन इस बार की जनता का मुद्दा है विकास। जो प्रत्याशी उनका विकास करेगा वो उसी प्रत्याशी को वोट देकर के जिताएंगे और आगामी 5 साल के लिए क्षेत्र के विकास के साथ साथ अपने विकास की भी जिम्मेदारी देंगे। तो इस बार वर्चस्व की लड़ाई 5वें चरण में ज्यादा देखने को मिल रही है, जहां योगी सरकार के मंत्रियों की साख दांव पर लगी है। तो वहीं एक तरफ अपना दल का मेरावादी के अध्यक्ष कृष्णा पटेल की भी किस्मत का फैसला होगा। साथ ही कुंडा विधानसभा सीट में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की भी किस्मत का फैसला आज शाम 6 बजे तक ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो इस दौरान कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है, जिसमें रमापति शास्त्री, सिद्धार्थनाथ सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ये सभी सीटें ऐसे हैं जिस पर प्रदेश की निगाह टिकी हुई है, क्योंकि ये सभी सीटें हॉट सीटों में शुमार है। जहां एक तरफ कुंडा विधानसभा सीट से रघुराज प्रताप सिंह चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सिंधुजा मिश्रा उनके ऑपोजिशन में चुनावी मैदान में उतरी हुई है। तो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है इस दौरान कि आखिर कौन सा प्रत्याशी चयनित होता है, कौन सा प्रत्याशी 10 मार्च को जीत का परचम लहराता है। वही बात अगर 2017 की जाए तो 2017 में भाजपा को प्रचंड जीत मिली थी, भाजपा प्रचंड जीत के साथ अपनी सरकार बनाने में सक्षम थी। तो इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या एक बार फिर से 2022 के चुनावों में इतिहास दोहराता है, क्या योगी मोदी लहर का असर इस बार के चुनाव में देखने को मिलता है, या फिर सपा की साइकिल रफ्तार पकड़ेगी, या फिर कांग्रेस के पंजे को जनता अपनी मुट्ठी बनाएगी। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए श्रावस्ती से हमारे संवाददाता प्रदीप जुड़ चुके हैं। तो प्रदीप, लगातार आप जनता के बीच जाकर जनता के परेशानियों को, जनता के मुद्दों को समझ रहे हैं, तो क्या लगता है श्रावस्ती की जनता का इस बार मुद्दा क्या होगा, आखिर किस मुद्दे के दम पे वो अपने प्रत्याशी को चुनेगी? देखिए मुस्कान, बिल्कुल आपको हम बता दें कि यहाँ जो जनता मौजूद है उसका सिर्फ यही मुद्दा है बेरोजगारी, शिक्षा और विकास, इस मुद्दे को लेकर के जनता यहाँ वोट कर रही है। बात अगर 2017 के चुनावी नतीजों की जाए तो 2017 में इन सभी सीटों पर किस पार्टी का वर्चस्व देखने को मिला था, कौन सी पार्टी ने जीत दर्ज की थी? 2017 में यहाँ से बसपा ने अपनी जीत दर्ज की थी। तो क्या लगता है बसपा 2022 में भी इतिहास दोहराने में कामयाब होगी? अब वो तो 10 मार्च को ही मालूम पड़ेगा कि जनता ने किसके तरफ रुख किया। 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है, जिसको लेकर लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, महिला और युवा वर्ग कितना बढ़ चढ़ के इस मतदान में हिस्सा ले रहा है। देखिए, यहाँ श्रावस्ती में सुबह 6 बजे से ही मतदान प्रारंभ हो चुका है, जनता यहाँ भारी तादाद में मौजूद है वोट करने के लिए, भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद है, मतदान को लेकर के काफी उत्साहित दिख रहे हैं। बात अगर श्रावस्ती की जाए तो सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है, क्या अभी तक किसी बड़े दिग्गज की मतदान स्थल पर पहुंचकर वोट देने की कोई ऐसी खबर सामने आई है कि किसी दिग्गज ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया हो? सुबह 7 बजे यहां पे आकर के जिला अधिकारी नेहा प्रकाश ने भी मतदान किया है, जिसके बाद में मुख्य विकास अधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने भी अपना वोट डाला है। इस वक्त आप मतदान स्थल पर मौजूद है, तो हम आपसे हम ये चाहेंगे कि आप लोगों से बात करें, लोगों के मुद्दे को समझे। जो मतदाता मौजूद है हम उनसे बात करेंगे कि किस मुद्दे को लेकर के यहाँ वोट डाल रहे हैं। भाई साहब, आप किस मुद्दे को लेकर के यहाँ वोट कर रहे हैं? बेरोजगारी पे हम लोग वोट डालेंगे। अच्छा, बेरोजगारी को लेकर के वोट डाल रहे हैं। भाई साहब, किस मुद्दे को लेकर के आप वोट कर रहे हैं? रोजगार देगा उसी को हम लोग देंगे। अच्छा,
किस मुद्दे को लेकर के आप यहाँ वोट कर रहे हैं? बेरोजगारी। तो जैसा कि यहाँ के मतदाताओं का कहना है कि बेरोजगारी और विकास फिर सरकार चाह रहे हैं, बेरोजगारी और विकास ही इनका मुद्दा है। प्रदीप जी, इस वक्त आप मतदान स्थल पर मौजूद हैं, आपने अभी पुरुष वर्ग के लोगों से बात की, क्या इस वक्त मतदान स्थल पर महिलाएं भी मौजूद हैं? तो हम चाहेंगे कि आप महिलाओं से बात करें, महिलाओं के मुद्दे को समझें कि आखिर महिलाएं किन के मुद्दों से प्रभावित है और वो किस पार्टी के प्रत्याशी को वोट देंगे। ये बिल्कुल, तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि श्रावस्ती में सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है और मतदान स्थल पर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस दौरान हमारे संवाददाता मतदान स्थल पर मौजूद है और वो उन्होंने पुरुष वर्ग के लोगों से बात भी की, उनके मुद्दों को भी समझा। श्रावस्ती के लोगों का मुद्दा है बेरोजगारी और विकास। जो भी प्रत्याशी इन दोनों मुद्दों पर वोट देगा, जो भी प्रत्याशी इन दोनों मुद्दों के लिए लोगों का विकास करेगा। हमारे साथ यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं, हम बात करते हैं किस मुद्दे को लेकर के उनका उठ रहे हैं। आप यहाँ मतदान करने आई हैं, किस मुद्दे को लेकर के आप मतदान कर रही हैं? विकास कर रही है, कुछ ना विकास के सर बहला छोड़ा है, खेत का सब करवाए। अच्छा, किस मुद्दे को लेकर के आप मतदान करने आई है यहाँ? चलिए हम दूसरे लोग से बात करते हैं, आप आज यहाँ मतदान करने आई हैं, किस मुद्दे को लेकर के आप मतदान कर रही हैं? तो साफ तौर से महिलाओं का कहना है कि विकास को लेकर के हम यहाँ मतदान करने आई हैं। क्या जनता इस बार जो अभी मौजूदा विधायक है उनके कार्यों से कितनी खुश नजर आ रही है? देखिए, मौजूदा विधायक जो यहाँ थे वो बसपा के विधायक थे, उनके कार्यों से जनता नाखुश नजर आ रही है। आप इस वक्त मतदान स्थल पर मौजूद हैं। अगर बात की जाए चुनाव आयोग की गाइडलाइन की, तो ये कहा गया था कि मतदान स्थल पर कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जाए, जो भी बुजुर्ग है, जो भी दिव्यांग है, उनके लिए ट्राईसाइकल और व्हीलचेयर की व्यवस्था की जाए। तो क्या ये सारी व्यवस्थाएं आपको अपने मतदान स्थल पर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, पूरी व्यवस्था यहाँ पे क्या चौबंद कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था की भी यहाँ व्यवस्था की गई है। अगर बीते 5 चरणों के मतदान की बात की जाए तो कई जगहों से ऐसी खबर आई थी कि ईवीएम खराब हो गई है या छुटपुट हिंसा की भी खबरें आई थी, तो क्या अभी तक श्रावस्ती से कोई ऐसी खबर आई है कि कहीं पे ईवीएम खराब हो गई हो? देखिए, यहाँ अभी ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि यहाँ कोई मतदान में कोई लापरवाही या कोई ईवीएम की खराबी, कोई ऐसी जानकारी यहाँ भी नहीं मिली है। बात अगर 2022 के चुनावों की जाए तो क्या लगता है 2022 में श्रावस्ती की हॉट सीट कौन सी है जिस पर लोगों की निगाह टिकी हुई है? देखिए, जैसा कि आपको बता दें कि 289 विधानसभा भिनगा में भाजपा के प्रत्याशी जो उतारे गए हैं वो पदम सिंह चौधरी हैं और वो बहराइच से बीजेपी के उपाध्यक्ष भी हैं। यहाँ सीधी टक्कर बीजेपी और सपा की है, तो यानी बीजेपी और सपा की कड़ी टक्कर इस दौरान देखने को मिलेगी। तो क्या लगता है कि जनता किसकी तरफ ज्यादा जाती हुई नजर आ रही है? लेकिन इसका बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ जनता जो है वो सिर्फ विकास के लिए वोट कर रही है कि जो विकास करेगा उसकी हम सरकार बनाएंगे। धन्यवाद प्रदीप जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त 5वें चरण का पूरे प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और 12 जिलों के 61 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। इस बार जनता का जो मुद्दा है वो है विकास और बेरोजगारी। अभी तक हमने तमाम जिलों के अपने संवाददाताओं से बात की, उन्होंने लोगों से भी बात की। इस दौरान आपने सुना कि जनता ने कहा है कि जो हमारा और हमारे क्षेत्र का विकास करेगा हम उन्हीं को अपना उम्मीदवार बनाएंगे, हम उन्हीं को अपना प्रत्याशी चुनेंगे आगामी 5 साल के लिए। तो इस दौरान श्रावस्ती, रायबरेली, बहराइच, प्रतापगढ़ की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरह से लोगों में मतदान को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। मतदान को लेकर लोग लगातार मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कई दिग्गजों की भी साख इस 5वें चरण के चुनाव में दांव पर लगी है। राजेंद्र प्रताप सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, राजा भैया, कृष्णा पटेल, इन सभी दिग्गजों की साख दांव पर लग रखी है। उनमें सिद्धार्थनाथ सिंह भी शामिल है, नंद गोपाल नंदी भी शामिल है। इन सभी दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। जबकि अगर बात की जाए तो इस 5वें चरण के चुनाव में वर्चस्व की भी लड़ाई देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ भाजपा के सामने ये चुनौती है कि वो 2017 का इतिहास दोबारा दोहराए और प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाए, तो वहीं सपा चाहेगी
कि इस बार सपा सरकार प्रचंड जीत के साथ प्रदेश में अपनी सरकार बनाए, कुछ ऐसा ही कांग्रेस और बसपा भी चाहेंगी। यही वजह है कि लगातार पांचवे चरण के चुनाव को लेकर तमाम दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। डोर टू डोर कैंपेन के जरिए, जनसंपर्क के जरिए जनता को साधने की पूरी कोशिश की गई थी, जनता को अपने खेमे में लाने की कोशिश की गई थी। तो इस वक्त पूरे प्रदेश में पांचवें चरण का मतदान हो रहा है, जिसको लेकर लगातार मतदाता मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है, कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है और कहीं भी कोई हिंसा की खबर ना आए, इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी इन सभी 12 जिलों में चप्पे चप्पे पर तैनात है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।